Hey guys, welcome back to my YouTube channel. कैसे आप सब? I hope आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सेफ भी होंगे. तो guys, आज एक और इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ मैं, और जिसका टॉपिक आपको सामने से मेरे दिख ही रहा होगा. जी हाँ, फिर से मैंने ज्वेलरी हॉल आपके लिए लेके आई हूँ, और ये अगेन है एवर स्टाइलिश से. और जो इसका फर्स्ट पीस है वो आपके सामने आप अपने सामने देख ही रहे हैं कि कितना प्यारा एलिगेंट है. और ये मुझे देखते ही बहुत पसंद आया था. और इस टाइप का जब मैंने एवर स्टाइलिश तो अभी देखा था, बट इससे पहले पता नहीं मैंने कौन सी साइट पे देखा था. तो मुझे इतना प्यारा, ये जो बोलते हैं ना मोर पंखिया डिज़ाइन जो होता है, या कुछ ऐसे मोर पंख वाला बना होता है ना, डिज़ाइन हो गया, क्लोथ हो गया, कुछ भी हो गया, मैं बहुत अच्छा लगता. तो सेम मेरे साथ भी था, बट मार्केट में, लोकल मार्केट में मैंने बहुत ढूंढा, नहीं मिला. बट फाइनली एवर स्टाइलिश पे वो जब मिल गया और मैंने इसे ले लिया. इसका प्राइस जो है वो आई थिंक 290 से एवप का है, बट ओके है, बहुत अच्छा है. क्योंकि आप ये देख सकते हैं मेटल में है, सारा ऑक्सीडाइज है, और जो इसके इयररिंग है बहुत ही लाइट वेट है. तो अगर आपको ये लगे कि बहुत हैवी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही लाइट वेट इयररिंग है. और इसमें नीचे जो है घुंघरू वगैरह दिए गए हैं, तो जो आवाज़ भी करते हैं. और देखने में आप किसी भी, मतलब अपनी ड्रेस के साथ उसको, इंडो वेस्टर्न ड्रेस के साथ, ट्रेडिशनल, आप कहीं भी इसको वेयर कर सकते हो. यहाँ पर नॉर्मली मैंने इसको एक वाइट कुर्ती साथ पेयर अप किया. अब मैं दिखाती हूँ आपको अपनी बाकी शॉपिंग मैंने क्या क्या मंगाया है. इस बार भी मैंने कुछ इयररिंग पीस मंगाए हैं, और इस बार के मैंने जो इयररिंग पीस मंगाए वो काफ़ी ट्रेंडिंग है, जो कि मुझे अच्छे लगे थे. फर्स्ट है ये, जो कि आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा, एवर स्टाइलिश पे भी देखा होगा, और इवन आपने ये, जब अगर आप टीवी देखते होंगे तो बहुत सारे सीरियल्स आते हैं जिसमें जो गर्ल्स हैं वो इस टाइप के इयररिंग वेयर करती हैं, लाइक दिस. ये इयररिंग का जो डिज़ाइन है मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं आपको वेयर करके भी दिखाती हूँ साथ ही साथ कि कैसा लगता है. इट लुक्स वेरी गुड, वेरी क्लासी. और ये आपके वेस्टर्न एंड ट्रेडिशनल एंड इंडो वेस्टर्न तीनों ड्रेस के साथ बहुत अच्छे से आप इसको टीम अप कर सकते हैं. अच्छा लग रहा है ना? तो सेम यही मुझे इतना, मतलब क्लासी लगता है एक्चुअली. अगर मैं ऑनेस्टली अपना बताऊं कि बहुत ही सिंपल है, सिर्फ जीरो और एक डंडा, बट इतना इसी जीरो और ये डंडा मुझे बहुत क्लासी लगा है. आपको कैसा लगा है तो ये मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि जितने इयरिंग मैंने लिए हैं या फिर जितने पीसेस लिए उसमें से आपका जो है बेस्ट कौन सा रहा. एंड द सेकेंड वन इज दिस. ये रेड बालियाँ मुझे बहुत अच्छी लगी थी, बट इसका जो पॉलिथिन अब कीरत ने एक दिन उसको मिल गया और उसने फटाक से चीरहरण जो है वो इन पैकेट्स का कर दिया था. एंड ये जो वालियाँ हैं ये भी मुझे बहुत ही अच्छी लगी. एंड आई थिंक दिस बाली, आई थिंक 98 रुपीज़ की बालीज है, जो कि बहुत अच्छी लगती है. मैं आपको दिखाती हूँ. और आपकी कोई ये रेड ड्रेस के साथ भी आप डाल सकते हैं, अगर आप मैचिंग डालना चाहते हो. और अगर आप थोड़ा सा चाहते हैं कंट्रास्ट, तो आप येलो के साथ डाल सकते हैं या किसी और के साथ डाल सकते हैं, क्योंकि रेड आपका बहुत अच्छा लगे. एंड द नेक्स्ट वन इज स्टीप. ये डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छा लगा था इयररिंग्स का. और अगेन ये भी हुप्स है, और ये जो है वो भी हुप्स है. हुप्स मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे भी लगते हैं, पहले से भी मैं काफ़ी हुप्स पसंद करती हूँ. कभी बड़े हुप्स हो गए, छोटे हुप्स हो गए, बट हर तरीके के हुप्स हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं. देखिए कुछ इस तरीके से. ये जो है नॉर्मल इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक जुगाड़ तिगड़मबाजी जो लगाई, बहुत ही, आप भी ये चीज़ घर में कर सकते हैं. नॉर्मल इन्होंने सिंपल हुप लिया है, और जो सीप है ये ली हुई है, और पतला सा जो वायर है उसे इन्होंने लपेट दिया है, बस सिर्फ और सिर्फ इन्होंने ये किया है. बट एंड आई थिंक दिस इज ऑल्सो फॉर 98 रुपीज़. इसका साइज थोड़ा सा मुझे बड़ा लगा कि अकॉर्डिंग टू माई फेस, बट हाँ जा रही है. समटाइम बड़े बड़े हुप्स भी आप अगर इस टाइप की आप वेस्टर्न ड्रेस के साथ डालें या अपनी जीन्स के साथ डालें, बहुत अच्छा, बहुत आपको एलिगेंट और क्लासी लुक ये देने वाला है. एंड द नेक्स्ट वन इज, ओ माई गॉड, आपको ये देख के ना तो जरूर शादियों की याद आ जाएगी. दिस इज विद भोपू.
ये जो है भोपू इयररिंग है जो मुझे देखते ही बहुत अच्छा लगा था, बट जब ये आया तो आई लिटिल डिसअपॉइंट बिकॉज ये काफ़ी हैवी है। मतलब अगर आप इसको बहुत ज़्यादा देर के लिए, ये जो इसका ये भोपू वाला पार्ट है ना, ये बहुत, ये वाला तो लाइट वेट है बट ये वाला पार्ट बहुत हैवी है, तो अगर आप ज़्यादा देर तक अपने कानों में वियर करेंगे तो मे बी आपको पेन हो सकता है। और मेरे साथ अगर मैं नॉर्मल भी इयररिंग डालती हूँ ना, छोटा सा भी मैंने स्टोन डाला तो भी मुझे थोड़ी देर के बाद वो इरिटेट करने लगता है, तो मैं ज़्यादा देर के लिए डाल नहीं सकती, तो मैं इससे थोड़ा सा डिसअपॉइंट हूँ। बट देखने में ये काफ़ी अच्छा है। अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना पसंद हो और इस टाइप की ज्वेलरी को आप बिल्कुल भी ये नहीं सोचते हैं कि नहीं नहीं क्या डाली है लोग क्या कहेंगे लाइक मी, तो आप इस चीज़ को ज़रूर ट्राई कर सकते हो। और ये देखने में बहुत अच्छा है, पहली बात तो ऑक्सीडाइज है, ये सबसे अच्छी बात है। तो आप इसको किसी भी अपनी वेस्टर्न ड्रेस के साथ, और अगर आप कभी ट्रेडिशनल ड्रेस के साथ भी ट्राई करेंगे ना, तो भी आई थिंक ये बहुत अच्छा जाने वाला है। ओके एक जो है वो मैंने मंगाया है नेक पीस जो है ये बहुत ही सिंपल नेक पीस है। कई बार मैं जीन्स वगैरह कैरी करती हूँ या फिर वेस्टर्न ड्रेस ट्राई की है तो उसका तो समझ में नहीं आता किस तरीके का आप चेन डालें या क्या डालें, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी सिंपल भी है। ओहो ये तो काफ़ी उलझ गया है यहाँ पे। इस टाइप की चीज़ों के साथ यही होता है कि जब भी आप इनको संभाल के रखें, इनको ऐसे बॉक्स में रखें जो कि इजली ये आपके संभाले जा सके, नहीं तो क्या होगा ये इस तरीके का जैसा कि मेरे साथ हो रहा है। ओके मैंने जो था उसकी डबल चेन को, डबल लेयर को खोल दिया, समझ ही नहीं आ रहा कैसे होगा। ओके दिस इज फ्रॉम ओके इसके साथ प्रॉब्लम पता क्या है, इसने जो लॉक वाला है ना इसका, इसने यही जो है वो ऊपर नीचे की तरफ हो रहा है, दैट्स वाई आपने बस लॉक वाला एंड इधर से आपने ये लेना है एंड दिस इज तैयार। इतना इजी था, मुझे नहीं समझ में आया। देखिए ये कुछ इस तरीके की आपकी ड्रेस के साथ जाने वाला है, और आप इसको अपने अकॉर्डिंग जो है छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। अभी मैंने ये वेयर किया इसलिए इतना ज़्यादा पता नहीं लग रहा, आप इस तरीके से देख सकते हैं, और ये मुझे काफ़ी एलिगेंट लगा। और सेम मुझे यही मैंने इसलिए मंगाया क्योंकि मेरे पास जो है सेम एवरेज स्टाइलिश का जो उनका लोगो है उसी टाइप का ये था, और सेम मेरे पास रिंग भी थी, तो मैंने कहा जो मेरा है जो टीम अप कॉम्बिनेशन बन जाएगा बहुत अच्छा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, और मैंने मंगाए बहुत छोटे से स्टड जो कि नॉर्मली अगर मार्केट जाना है तो बहुत बड़े बड़े इयररिंग हम वियर नहीं कर सकते, तो उसके लिए ना क्या छोटे छोटे स्टड ही अच्छे लगते हैं, तो मैंने एक स्टड मंगाया है जो कि बहुत छोटे हैं। ये भी ऑक्सीडाइज्ड है, इसमें नॉर्मली डिज़ाइन दिया हुआ है फ्लावर को, और छोटा सा इसमें पर्ल दिया गया है जो कि आप डेली के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप डेली यूज़ करना चाहें तो इनकी पॉलिश वगैरह नहीं जाने वाली है। तो बस 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 इतनी ही मैंने शॉपिंग की है, और आई थिंक ये जो शॉपिंग है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी अफोर्डेबल रही इनके सबके प्राइस। और अगर जिसके इसके प्राइस मैंने मेंशन नहीं की है, जल्दबाजी में भूल गई हूँ, तो उनके प्राइस जो है वो मैं स्क्रीन पे सबके प्राइस मेंशन कर दूंगी, तो आप अगर देखना चाहते हैं चेकआउट करना चाहते हैं तो आप एक बार एवरेज स्टाइलिश को ज़रूर मौका दें, उन पर काफ़ी अच्छी आपको रेंज मिल जाती है, प्राइस काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं, तो आप एक चीज़ को ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल गाइज, ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप मेरा आज का कलेक्शन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और आपको ये वाला नेकलेस कैसा लगा है, तो और बाकी इसमें से कौन सी ज्वेलरी आपकी फेवरेट रही है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए जल्दी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए और हैप्पी हैप्पी रहिए और स्वस्थ रहिए। ओके बाय बाय गाइस, टेक केयर।